साबुन है, कपड़ा धोने वाला साबुन है। तो अभी हम आ गए हैं किचन में क्योंकि शाम का खाना का तैयारी करने, और आज हम बनाएंगे मटर पनीर का सब्जी, क्योंकि मौसा जी लाए थे पनीर और मौसी बोली कि तो ही बना ला, तो वहीं पर हम लोग सब मिल के खा लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पनीर रखे हैं फ्रिज में, आ निकालते हैं। ये देखो बड़ा, बाप रे कितना, हमको लेना है बड़ा। अच्छा रुको ले लेना, पहले पनीर निक खराब हो रहे हैं। देखिए ना क्या बन गया, पत्थर बन गया है। हाँ इसको पहले गर्म पानी, बहुत अच्छा लगे। ये लीजिए मटर, एक बार और पानी डाल के। हाँ मटर का साथ अपने बनते रख ले रखते देख देख लेते हैं, छोड़ दीजिए। राइस राइस कहाँ ही है, मटर है। इसको चढ़ा देते हैं, मटर कहाँ टकरा रही है। मटर जब तक हो रहा है तब तक हम पनीर का देख लेते हैं। इसमें रुक जाइए, हम देखेंगे पनीर का। तुम देखेगी पनीर, ये देखो बर्फ। क्या ये देखिए आप लोग, पनीर पत्थर बन गया है, खट खट आवाज कर रहा है। देखो साबुन है, कपड़ा धोने वाला साबुन है। इसको गर्म पानी में देना होगा, नहीं तो कुछ देर छोड़ देते हैं इसको, तब तक दूसरा सब तैयारी कर लेते हैं। पानी में डाल के रख देते हैं, इसको पानी में डाल देते तब जल्दी नरम हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगाएगा। देखो ये देखिए सौरभ आया है। हेलो चुपके। तो आज हम बनाएंगे आलू मटर पनीर, तो उसके लिए आलू भी चाहिए, तो हम अभी आलू छील लेते हैं। मटर चढ़ा हुआ है और पनीर को हम पानी में डाल दिए हैं। जब तक पनीर भी नरम होता है, मटर पकता है, तब तक हम आलू को छील के काट के रेडी कर लेते हैं। यहाँ हम आलू काट लिए और इसको देखिए प्याज काट रही है, पढ़ेगी लिखेगी नहीं, ये प्याज काटेगी। जिद करके प्याज काटने के लिए भी रही है, बोली हम ही काटेंगे प्याज ना। तो ठीक है, अभी मेरा आलू भी रेडी हो गया, अब चलिए आगे हम दिखाते हैं कैसे बनाते हैं इसको। अब हम पहले मसाला का रेडी करेंगे, उसके बाद तो अभी हम सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मसाला भी हम रेडी करती हैं, ये देखिए आप लोग देख लीजिए क्या क्या है इसमें। इसमें हम जीरा, धनिया, लहसुन, अदरक, लाल वाला मिर्च सब हम डाल दिए हैं इसमें पीसने के लिए, और यहाँ पे प्याज भी रखे हैं, ये देखिए प्याज को भी पीसेंगे। तो सबसे पहले हम अभी आलू को फ्राई कर लेते हैं, जब तक ये फ्राई होगा तब तक हम मसाला पीस लेंगे। तो देखिए आप लोग हम कैसे आलू फ्राई करते हैं। यहाँ तेल तो हो गया है गर्म, और इसमें पक गया है मटर, देखते हैं मटर इसमें पका है कि नहीं, दिखा और पकेगा कि देखो नहीं का सीजल है। देखिए ना छू के बढ़िया पक गया, बिजोर हो गया। तो मटर भी उबल गया है, अब अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है, कैसा बनेगा पता नहीं। उनका फेवरेट सब्जी, उनको अच्छा लगता है आलू मटर का। इसको भी फ्राई कर लेते हैं अच्छा से, एकदम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे, जो लाल हो जाएगा तब। जब तक फ्राई हो रहा है तब तक हम चलते हैं मसाला पीस लेते हैं। सूख गया ना, पानी डालना होगा। देखो ना फ्रिज में ना।
अब आलू लगभग में फ्राई हो गया, लेकिन थोड़ा देर और छोड़ देते हैं, तब तक हम पनीर को काट लेते हैं। नहीं अभी बीच में भी, अभी बीच में भी थोड़ा टाइट है। आलू को हम निकाल लेते हैं, आलू फ्राई हो चुका है। पता नहीं कैसा बनेगा। इधर हम पनीर को भी फ्राई कर रहे हैं और चावल भी चढ़ा दिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया है बनते बनते। अगर हम बारी बारी से अगर करेंगे तो और लेट हो जाएगा। यहाँ पनीर फ्राई होके पानी में तैर रहा है, तैर रहा है, तब तक हम ये मसाला रेडी कर लेते हैं। फिर बाप रे, ये मसाला को भूज रहे हैं हम अभी, उसके बाद इसमें पानी डाल के ये सारा चीज़ डाल देंगे बस। तो अब हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया, और उसका लास्ट जो है धनिया पत्ता वो हम डाल देते हैं। और इसको मिला भी देते, दिखा इधर पुच्ची, ये देखिए हमारा सब्जी कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया, हमको और भी काम है। और ये हमारा सब्जी हो गया रेडी। अब इसको ढक देते हैं, ढक के उधर छोड़ देते हैं। और यहाँ पे ये हमारा चावल भी बन गया है, दिखा, ये हमारा चावल भी रेडी हो गया है। तो हो गया है बहुत ज़्यादा लेट, तो अब हम जाते हैं पापा को खाना देने के लिए, और उनके लिए भी खाना लेके चलते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।